जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चंडीगढ़ JBT टीचर वैकेंसी 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 396 पोस्ट पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। जैसा कि आप सब जानते कि ये वैकेंसी आपकी 2023 के अंदर भी निकाली थी जिसको फिर कैंसिल करके दोबारा से आपके यहाँ पर पद बढ़ा करके फॉर्म भराए जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये जानकारी इसलिए दी ताकि आपको पता चले कि ये वैकेंसी वही तो नहीं जो पहले आई थी। अब मैं आपको बताता हूँ आपके पूरे प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी जहाँ पर जानने को मिलेगा कि 396 पोस्ट निकाली है जिसके फॉर्म आप 19 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, फीस आप यहां पर देख सकते हैं एंड जो आपकी अन्य डिटेल है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। एंड ये सभी चेक करने के बाद में अगर आप इलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आपको कैसे फिल करना है जान लेना है। आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आने के बाद में आपको सबसे लास्ट में आना है और रिजर्वेशन फॉर जूनियर बेसिक टीचर JBTs इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका फुल नाम एंटर करना है, ये नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अकॉर्डिंग भरिएगा। ऊपर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो एक ही पोस्ट है JBT प्राइमरी टीचर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी है या फिर आप यहाँ पर इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आपकी DOB को सिलेक्ट करेंगे। पहले यहाँ से जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आपको सेंड ईमेल OTPs के ऊपर क्लिक करना है। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर ईमेल एंटर ईमेल OTP में डाल करके वेरीफाई ईमेल OTP पर क्लिक करके वेरीफाई करना है। सेम वे में आपको आपका नंबर डालना है और फिर यहाँ पर सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके जो नंबर जो OTP आपके नंबर के ऊपर आएगा वो यहाँ पर डाल करके वेरीफाई मोबाइल OTPs के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहां पर उसकी जानकारी भी दी गई है एंड आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया गया है। अभी आप यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा सेम तरीके से। आप यहां पर आकर के नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो गाइज पहले तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए कि मेल फीमेल या फिर अदर। फिर जो आपके फादर का नेम है वो भी आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपकी माताजी का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक करके बताना कि आप सिंगल हो, मैरिड हो या फिर विडो या डाइवोर्स्ड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद में यहां पर आप आइए एंड बाकी की जानकारी चेक करते हुए आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन ही रहने देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि जनरल SC OBC जो भी है वही आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहां पर अगर मैं OBC सेलेक्ट करना चाहता हूं तो प्लीज चेक चंडीगढ़ OBC लिस्ट, तो आप यहां पर जो चंडीगढ़ की OBC लिस्ट है वो चेक कर लीजिए कि उसमें कौन कौन सी जाति आती है OBC में। ये आपको यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC दी गई है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो आप SC सेलेक्ट करेंगे और अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है वेदर बिलोंग्स टू PWD कैटेगरी, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो फिर आपको यहाँ पर आपकी विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक विकलांग से ही इस फॉर्म को भरता हूं ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े एंड मैं आपको पूरा प्रोसेस इस फॉर्म का दिखा सकूं। इसके बाद आपके सामने सवाल आएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास वो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो कि चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये आपसे इस सवाल में पूछा है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए क्योंकि उसके बिना तो आप इसमें एलिजिबल हो ही नहीं सकते अप्लाई करने के लिए। अगला सवाल है कि वेदर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर गेस्ट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर वर्किंग एज समग्र शिक्षा टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। वेदर हैव यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। देन गाइज आप प्रोसीड
नेक्स्ट टू एड्रेस डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे एंड जो आपकी स्टेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड भी डाल देना है। अब आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना है। फिर आप नीचे प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर एड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर क्वालिफिकेशन पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हुए आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं ग्रेजुएट सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास कर ली थी। इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल प्राप्त नंबर लिखेंगे और फिर आपको ये नंबर कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिख देंगे। परसेंटेज यहाँ पर आपको बताना कि ग्रेड के अंदर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है या फिर CGPA वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज है तो फिर आप यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज बनती है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर आप यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रीम था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये आपको यहाँ पर दे देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर नीचे आते हैं नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, डिग्री मोड क्या था, रेगुलर, प्राइवेट, डिस्टेंस या फिर सीटेट। तो यहाँ पर मैं रेगुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जानकारी आपकी भरी जा चुकी है। अब आप सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इस तरह से सेव हो चुकी है। इसके बाद में आप फिर से एड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में सेम वे में बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास किया है, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे, टोटल मार्क्स आप लिखेंगे, परसेंटेज डालेंगे, आपके सब्जेक्ट डालेंगे कि किससे आपने की है। यहाँ पर आपको आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, डिग्री मोड आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन फिर से आप यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और वो यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। देन गाइज अगर आपके पास इसमें फिर BEd की क्वालिफिकेशन है तो आप BEd सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी भी जानकारी सेम वे में भरेंगे जैसे कि मैंने आपको बताई है एंड फिर आप यहाँ पर CTET पेपर फर्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे देंगे। एंड अगर आपने क्वालिफिकेशन दोबारा से देखनी है तो आप देख लीजिए, ये क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी ये क्वालिफिकेशन फिल कर देंगे और इसको फिल करने के बाद में आप नीचे आएंगे और प्रोसीड टू फिल ICT डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ICT स्किल डिटेल आ चुकी है। अब आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो ICT स्किल डिटेल है ये फिल करना अनिवार्य है। अभी आपके मन में सवाल होगा कि ICT क्या है, तो मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ICT स्किल कोर्स, जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि CCC। तो बेसिकली आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है, CCC 80 आवर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से जो कि सर्टिफाइड हो, या फिर आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सीलरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ये आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है, CCC भी यहाँ पर चल जाएगा। तो आप यहाँ पर आपके कोर्स का नाम देंगे, जो भी आपका कोर्स है आपके कोर्स का नाम देंगे कि आपने कहाँ से किया है, फिर आप यहाँ पर उसका पासिंग ईयर डालेंगे, आपके मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए या फिर आपकी ग्रेड कितनी थी वो आप डालेंगे और रिमार्क्स आपका क्या था तो आप यहाँ पर इसमें पास लिख दीजिएगा एंड फिर आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। साइज 80 KB से कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा में अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यहां से ओपन करनी है, फिर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। फिर आप यहां पर आपका साइन सेलेक्ट कीजिए, जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कर लीजिए, आपको ओपन करनी है, फिर आप यहां पर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आपको यहां पर आपके बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फाइल है वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से ओपन कीजिए और अपलोड इंप्रेशन के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर दीजिए। इस तरह से फाइल्स अपलोड हो जाएगी। अब आप प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर बोला है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि आपको यहां पर रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर के वो आपको एक एक करके इस तरह से चेक करते जाना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर इस तरह से जानकारी को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू यहां पर क्लिक करेंगे एंड देन अब आप यहां पर टिक कीजिए और फिर प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग इसके ऊपर क्लिक करके यहां से आपको ओके करना है। ओके करने के बाद
में आप यहाँ पर एक बार फिर से आई एग्री कीजिए और फिर प्रोसीड टू सबमिट फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी एससी एसटी से भरे उनको फीस जमा करनी है। मैंने यह फॉर्म विकलांग से भरा है ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। तो उनके सामने फीस का ऑप्शन आएगा। जैसे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा वो कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म व्यू हो चुका है और आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।